सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के लिए तनुल ठाकुर को स्वर्ण कमल. Tanul Thakur's work is like a breath of fresh air. Without being didactic, Thakur is able to provide a different perspective to disparate elements and string them together in a lucid fashion. सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है साइलेंट सिनेमा 1895 to 1930. इसके प्रकाशक हैं MSCO बुक्स. पुरस्कार प्राप्त करेंगे डॉक्टर विजय कुमार, इन्हें स्वर्ण कमल. पुस्तक के लेखक हैं पशुपुलेटी पूर्ण चंद्र राव, इन्हें भी स्वर्ण कमल. इस श्रेणी में जूरी ने जी धनंजयन की पुस्तक प्राइड ऑफ तमिल सिनेमा का विशेष उल्लेख किया. जी धनंजयन प्राइड ऑफ तमिल सिनेमा डिजर्व्स एप्रिसिएशन फॉर द शेयर एक्सपेंस ऑफ इट्स वर्क. निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड फिल्म अ पोएट अ सिटी एंड अ फुटबॉलर को. पुरस्कार ग्रहण करेंगे वी एस कुंडू, इन्हें दो रजत कमल. पोएट सिटी ए फुटबॉलर के सुप्रसिद्ध निर्देशक जोशी जोसेफ, इन्हें भी रजत कमल. भूमशांग के निर्देशक हाओबम पवन कुमार, इनको भी रजत कमल. निर्माता सत्यजीत रे फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अवार्ड ग्रहण करेंगे संजय पटनायक, इन्हें रजत कमल. निर्देशक बभानी तामुली, इन्हें भी रजत कमल. सर्वश्रेष्ठ लघु कल्पित शॉर्ट फिक्शन फिल्म मित्रा, निर्माता आतांश कम्युनिकेशंस अवार्ड ग्रहण करेंगी मीना जाधव, इन्हें रजत कमल. निर्देशक रविंद्र जाधव, इन्हें भी रजत कमल. सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म साउंड ऑफ जॉय, निर्माता ओरा सिनेमैटिक्स अवार्ड ग्रहण करेंगे दीपंकर सरकार, इन्हें रजत कमल. निर्देशक शुकंकन रॉय और एनिमेटर ऋषि सहानी, इन्हें भी रजत कमल. मंच पर है शुकंकन रॉय, मंच पर ऋषि सहानी. निर्माता ग्रे फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे नला मुत्तु सुबैया, जो कि फिल्म के निर्देशक भी हैं, इन्हें दो रजत कमल. बेस्ट एजुकेशनल फिल्म का पुरस्कार इस बार दो फिल्मों को दिया जा रहा है. पहली फिल्म है बिहाइंड द ग्लास, जिसके निर्माता हैं गाही मीडिया. पुरस्कार प्राप्त करेंगी अरुणा राजे पाटिल, इन्हें दो रजत कमल. और दूसरी फिल्म है कोमल, इसके निर्माता क्लाइम फिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. पुरस्कार ग्रहण करेंगे किरित खुराना, इन्हें रजत कमल. निर्देशक प्रशांत शिखरे, इन्हें भी रजत कमल. दादा साहेब फाल्के अवार्ड. The award goes to Shri Shashi Kapoor, eminent actor and producer, for his outstanding contribution to Indian cinema.